दोस्तों आज मैं आप लोगों को बिजली बिल जमा करने का बहुत ही आसान बहुत ही उत्तम तरीका बताने वाला हूं। ये मेरे हाथों में बिल है जो कि मीटर रीडर द्वारा निकाल के दिया गया है, तो चलिए इसको मोबाइल से ही जमा करते हैं। और ये है एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका नाम है UPPCL कस्टमर ऐप। ये आप UPPCL लिख के सर्च करेंगे तो इसी तरीके से मिलेगा। यही लोगो वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो ये एप्लीकेशन मत इंस्टॉल कीजिएगा। उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि किसी अन्य स्टेट का बिजली बिल कैसे जमा किया जाता है। तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ ओपन करेंगे, ये देखिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिख रहा है और उत्तर प्रदेश का ये मैप भी बनाया है। यहाँ पर गेट स्टार्टेड करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये सब प्रोसेस वन टाइम है। उसके बाद आपके मोबाइल में ये सब चीज़ें डेटा सेव हो जाएंगी, आप बिल आसानी से अपने बिजली कनेक्शन का जमा कर पाएंगे। दो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे, पहला तो साइन इन और दूसरा अपना नया खाता नंबर ग्रामीण उपभोक्ता जाने। अगर आप ये नंबर नहीं जान रहे हैं तो इस पर क्लिक करके जान सकते हैं। तो चलिए पर्ची पे तो खाता नंबर है ही, तो साइन इन कर लेते हैं। इसको अलाउ करेंगे, अब यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। मेरा तो भैया बस्ती ज़िला पड़ता है, आपका कौन सा ज़िला है सेलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके से। और डिस्कॉम नेम तो यहाँ खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ अपना खाता नंबर फिल कर लीजिए। ये देखिए खाता नंबर पर्ची पे रहता है। इन केस आपके पास तो खाता नंबर नहीं है तो वो भी मैंने तरीका बता दिया कि कैसे ढूंढा जाता है। और उससे भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपने मीटर रीडर से पूछ लीजिएगा, भैया अपना खाता नंबर, वो बता देगा। तो चलिए साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए लोड हो रहा है और OTP एक जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे या तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। अब आप सोचेंगे कि मेरा तो मोबाइल नंबर ही नहीं रजिस्टर्ड है, फिर कैसे काम होगा? तो चलिए वो भी तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे, OTP खुद ब खुद रीड कर लिया क्योंकि इसी मोबाइल में मेरा वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगा था। अगर इन केस आपके बिजली कनेक्शन पे ये मोबाइल नंबर ही नहीं दर्ज है तो कहाँ से करेंगे? तो आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स या गूगल का क्रोम, और सर्च कर लेना है। कौन सी वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूँ, UPPCLonline.com, इसको सर्च कर लीजिए। और इसके होम पेज में आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, देखिए अपडेट मोबाइल नंबर, ठीक है। अपडेट मोबाइल नंबर पे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे और डिस्काउंट वगैरह भी यहाँ से आप जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है अपना डिस्काउंट जाने, अपना नया खाता नंबर जानने के लिए क्लिक करें, ठीक है। इस वेबसाइट में भी जाना जा सकता है। तो चलिए मोबाइल नंबर कैसे अपडेट होता है उसको भी पूरा कवर कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ तो डिस्काम नेम सेलेक्ट करना होगा, इस पर क्लिक करके इस तरीके से और सेलेक्ट हो गया। अपना अकाउंट नंबर यहाँ फिल कर लीजिए, खाता संख्या जो बिजली का खाता संख्या है, और बिल नंबर भी यहाँ पे फिल करना होगा। बिल नंबर भैया इस पर्ची में मिल जाता है, ये पर्ची पे थोड़ा नंबर्स मिट गए हैं, नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिल नंबर कहाँ पे होता है। और इनकेस आप इस पर्ची में नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मीटर रीडर से पूछिएगा, वो भी ये आसानी से बता देगा। तो चलिए वापस करते हैं और भुगतान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो भैया ये UPPCL ऑनलाइन खुल चुका है। यहाँ से आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं, लैंग्वेज बड़ा आसानी से चेंज हो जा रहा है। आपका कनेक्शन नंबर दिखाएगा जो कि अकाउंट नंबर भी कहते हैं। भुगतान की राशि यानी क्या है अमाउंट अभी बाकी, उसको मैं भुगतान कर सकता हूँ यहाँ से क्लिक करके। और भी जानकारी इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, जैसे लिखा है अन्य खाते का भुगतान करें, किसी पड़ोसी का, किसी रिश्तेदार का या किसी मित्र का भी आप बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके जमा कर सकते हैं। देखिए इनकेस आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है, आपको 2 किलोवाट की ज़रूरत है, लोड बढ़ाना चाहते हैं, तो यहीं से देखिए लिखा है सेल्फ लोड वृद्धि, ठीक है। यहीं से आप लोड भी इंक्रीज कर पाएंगे और सेल्फ बिल जनरेशन भी यहाँ से हो सकता है। देखिए लिखा है स्वयं बिल बनाएं, यहीं से आप बिल भी बना सकते हैं अपने मीटर में यूनिट वगैरह चेक करके, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और बिल भुगतान एंड इतिहास जानने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अपना बिल का पूरा फॉर्मेट देखने के लिए वो PDF में यहाँ पे देखिए आ जाएंगे, ये PDF का लोगो है, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी डाउनलोड हो जाएगा। देखिए लोड हो रहा है, अब ये डाउनलोड हो चुका है, अभी ये खुलेगा भैया PDF फॉर्मेट में। देखिए PDF फॉर्मेट में खुल रहा है, आपका पूरा बिल इस तरीके से दिखाएगा। आप इसमें जान सकते हैं मेरा पिछला बकाया क्या है, पिछला मैंने कितना जमा किया है, कितना यूनिट मेरा चल के इस बिल को बनाया गया है, पूरा ब्यौरा इसमें जान सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं और यहाँ से जमा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो भैया मेरा है 693, मैं इसको भुगतान इंस्टेंट करना चाहता हूँ,
तो भुगतान करें पे क्लिक करेंगे, और ये भी वन टाइम पूछ रहा है, इसको अलाउ कर दीजिए, लोकेशन वगैरह है। यहाँ पे भुगतान करने के लिए आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ देखिए भुगतान हेत कुल बकाया, जितना बाकी है टोटल अमाउंट आप जमा करना चाहते हैं या कुछ और कम जमा करना चाहते हैं। जैसे इनकेस मेरे अकाउंट में अभी 500 है, तो मैं सोच रहा हूँ 500 ही जमा करके इसको छोड़ दूँ। तो यहाँ से क्लिक करके 500 जमा करके या 400 जमा करके आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। अगर आपका जीरो है, ये बकाया जीरो है, तो आप एडवांस में ही भुगतान कर सकते हैं। देखिए लिखा है अग्रिम भुगतान, ठीक है, लेकिन मुझे भैया टोटल करना है, तो टोटल पे मैंने क्लिक किया, 693 अभी उठाएगा। यहाँ प्रस्तुत करें पे क्लिक करेंगे, अभी आगे हो रहा है। यहाँ देखिए पेमेंट वाले ऑप्शन पे जा रहा है, यहाँ पेमेंट गेटवे खुलेगा। बस नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ये इनकेस थोड़ा स्लो चलेगा। देखिए ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे 5, पहला नेट बैंकिंग, दूसरा क्रेडिट कार्ड आप लिख डेबिट कार्ड, और क्यूआर कोड से भी जमा कर सकते हैं, वैलेट जैसे फ़ोन पे गूगल पे का वैलेट होता है उससे भी आप जमा कर सकते हैं, पेटीएम का वैलेट होता है, और यूपीआई। तो भैया इसमें सबसे बढ़िया जो मैं रिकमेंड करूँगा, मैंने तो सब ट्राई किया है, क्रेडिट कार्ड से ट्राई मत करना, वो फेल्ड होके पैसा वापस आ जाता है क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। क्यूआर कोड भी अच्छा माध्यम है, जैसे मैंने क्यूआर कोड पे क्लिक किया और यहाँ पे भीम यूपीआई क्लिक किया, और आपको एक क्यूआर कोड अभी दिखाएगा, देखिए क्यूआर कोड दिखा दिया है। अब इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर देना है, चाहे इसी मोबाइल से आप कर दो या किसी अन्य मोबाइल से आप कर दो। उसके बाद आपको वेट करना है, ये देखिए टाइम दे रहा है, 4:47 हो रहा है, 5 मिनट टोटल टाइम देता है। जब आप पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा तो खुद ब खुद ये पेज रीडायरेक्ट होके सक्सेसफुल दिखाने लगेगा। और दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, चलिए आप लोगों को, ये खुल रहा है पेमेंट वाला गेटवे दोबारा। ये तरीका ये है बढ़िया, जो कि है यूपीआई। यूपीआई पे क्लिक करके आपको यहाँ देखिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पे बाई एनी यूपीआई ऐप, तो इस पर मत क्लिक कीजिएगा, इस पर इनकेस कैंसिल भी होने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ देखिए पे बाई एनी यूपीआई आईडी, इस पर क्लिक करके आप यहाँ अपना यूपीआई आईडी नोट करके आप आगे मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे फ़ोन पे का यूपीआई आईडी लगभग होता है मोबाइल नंबर @YBL, तो मैं डालता हूँ 7007251117@YBL, ठीक है। और यहाँ मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया, मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसको मैंने देख के वेरीफाई करके अपना पिन डालना होगा। देखिए 5 मिनट का टाइम दे रहा है, अब मैं अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन पे जाऊँगा दोबारा। यहाँ देखिए मैं फ़ोन पे एप्लीकेशन पे आता हूँ तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, लॉक को अनलॉक करते हैं। अभी फ़ोन पे एप्लीकेशन देखिए खुल चुका है, अब यहाँ देखिए इसमें पेंडिंग दिखा रहा है फ़ोन पे एप्लीकेशन में एक, जो कि है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 693 का आपको पेमेंट करना है। यहाँ से आप डिक्लाइन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, पे करेंगे तो आपका बिल का भुगतान हो जाएगा। तो चलिए पे कर देते हैं, अपना पिन वगैरह डाल के जो कि बैंक सेलेक्ट करके, देखिए मैंने पिन डाला और ये भुगतान हो गया। तो भैया देखिए कनेक्शन सेवरली सिक्योरली दे रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका। अब वापस चलेंगे उस उत्तर प्रदेश वाली साइट पे, यानी एप्लीकेशन पे, यहाँ देखिए आ चुके हैं, और ये यहाँ आपको दिखा रहा है धन्यवाद, आपका बिल भुगतान सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, आपकी रसीद नंबर ही इतना है, और भुगतान की स्थिति यहाँ सक्सेस देख सकते हैं, कनेक्शन नंबर दे रहा है, देखिए बिल नंबर भी यहाँ दे रहा है, डिस्काउंट नेम दे रहा है, कितना बिल आपने जमा किया है, अमाउंट जो है किस डेट में जमा किया है, सब कुछ यहाँ से दे रहा है। अब रसीद डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए PDF में आपको रसीद भी मिल जाएगी। तो भैया इसी तरीके से रिसिप्ट को आप सेव कर लीजिए, अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं UPPCL के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, ये देखिए आ चुके हैं, अभी भी यहाँ 693 बकाया दिखा रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये कुछ टाइम में अपडेट हो जाता है, जैसे कि कभी कभी नेक्स्ट डे अपडेट होता है, कभी कभी घंटे दो घंटे में भी अपडेट हो जाता है। चलिए दोबारा खोल के देखते हैं, वो बकाया दिखा रहा है या जीरो हो गया, यहाँ देखिए अभी भी बकाया दिखा रहा है, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पेमेंट हो चुका है, बस आप रसीद वगैरह रखिएगा सेव करके स्क्रीनशॉट लेके। और एक तरीका और है, फ़ोन पे से आप डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, किसी भी प्रदेश के बिजली बिल के कनेक्शन का बिल जमा कर सकते हैं। कैसे जमा करेंगे चलिए जान लेते हैं, देखिए फ़ोन पे एप्लीकेशन खुल गया,
नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको मिलेगा रिचार्ज एंड पे बिल्स, इस पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे और फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ देखिए एक बल्ब का लोगो मिलेगा जहाँ लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपना चयन कर लीजिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है आपका जिस भी स्टेट में है, जैसे कि टोरेंट पावर देखिए दिया है और नोएडा के लिए नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड दिया है, और आप मुंबई से हैं देखिए तो मुंबई में अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड चलता है। तो सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम यहाँ से चयन करके सेलेक्ट करके अपना बिल पेमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और गूगल पे अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो उस पर भी चलिए बता देते हैं। यहाँ देखिए गूगल पे का होम पेज है और यहाँ पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन, देखिए यहाँ भी बल्ब का सिंबल है, लोगो है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी आपको चयन करना होगा जो भी बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का, चयन करके आप आसानी से किसी भी स्टेट से हैं किसी भी शहर से है बिल पेमेंट फ़ोन पे गूगल पे से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।